एक तमिल फिल्म जिसका नाम है डॉक्टर, जो कि हाल फिलहाल में थिएटरों में रिलीज कर दी गई है। और भाई मैं देखने गया था कोंडापुलम, लेकिन लगे हाथ भाई ये फिल्म भी मैंने आज ही देख ली, क्योंकि मैंने सोचा कल कोंडापुलम में अगर देख के आता तो ये नहीं देख पाता, जिस वजह से मैंने दोनों फिल्में आज ही देख ली। तो पहले मैं रिव्यू कर रहा हूँ डॉक्टर फिल्म का, तो ये कैसी रही, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इसे देखने के बाद, आप इसे देखने देखें क्या ये थिएटर में जाने लायक थी, तो ये सब जानने के लिए तो आपको इस रिव्यू बने रहना होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। अब देखो इस फिल्म को मैं क्विक से रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि इस फिल्म के अंदर ज्यादा खास नहीं था जानने के लिए और देखने के लिए भी। जी हाँ, अब ज्यादा स्पॉइलर नहीं फैलाते, सीधा स्टोरी पर। स्टोरी फोकस करिए एक डॉक्टर के ऊपर, जो कि फौज में एक डॉक्टर है। जी हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसने उसे अब छोड़ दिया है, लेकिन छोड़ने के कुछ दिनों बाद अब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दोबारा बुलाया, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है ना, उसकी बहन छोटी जो है ना, गायब हो चुकी है। जी हाँ, वो गायब हो गई, उसे किडनैप कर लिया। किसने किडनैप कर लिया ये सब पता लगाने के अब निकल चुके हैं आपके डॉक्टर। जी हाँ, अब डॉक्टर भाई साहब उसे ढूंढेंगे, कहाँ है, क्यों गया, किसने पकड़ लिया, इसलिए पकड़ लिएगा। अब ये सब सुनने के बाद आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे, भाई कहानी मिलती जुलती लग रही होगी आपको बागी 2 से। जी हाँ, सेम मुझे भी ऐसा ही फील हुआ जब मैंने ये कहानी देखी, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो वही था, लेकिन सम डिफरेंट पॉइंट लिए गए हैं, कुछ एक्सीबिशन है इसका अलग किया गया उस फिल्म से, काफ़ी ज़्यादा अलग हुई आप कह सकते हो। जी हाँ, और जिसके अंदर कॉमेडी का जो तड़का डाला गया, हाँ मैं कह सकता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक पॉइंट था, जो इस कहानी को इम्प्रेसिव बनाने में कामयाब भी रहा है। अब बात करूँ इसका स्क्रीन प्ले, मुझे कैसा लगा, देखो स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ से अच्छा है, काफ़ी अच्छा खासा आपको लगेगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ ही आपको हंसाने वाला है, और फर्स्ट हाफ के अंदर ही आपको जो कहानी है वो रोमांटिक से लेके एक कॉमेडी ड्रामा का पूरा तड़का देखने को मिल जाएगा। लेकिन सेकंड हाफ आने के बाद जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, और मैं कहूँगा कि लास्ट का जो इसका क्लाइमैक्स है ना, वो ही हल्का फुल्का आपको अच्छा लगने वाला है, यानी 15 से 20 मिनट की फिल्म ही आपको अच्छी लगेगी, उससे पहले जो सीरियस बना है ना वो भी आपको बोर करने लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करूँ इस कहानी के अंदर एक्टरों की परफॉर्मेंस के बारे में, तो देखो परफॉर्मेंस सबकी अच्छी थी, सब ने अच्छा खासा काम किया, और योगी बाबू तो हर बार की तरह बेस्ट ही रहे हैं। लेकिन ज़्यादा मैं और किसी की बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एक क्विक सा रिव्यू, लेकिन बात करूँ उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वो ठीक ठाक है, VFX अच्छा खासा, जो सिनेमोग्राफी पर काम किया गया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और जो इसके अंदर एक्शन दिखाया गया ना वो भी हाँ हम कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया था, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़िया हो सकता था। अब आपका फाइनल क्वेश्चन कि इस फिल्म को हम देखें ना देखें, क्या थिएटर में जाने लायक है ये फिल्म, तो सबसे पहले बताऊँ, देखो आप हल्की फुल्की टर्न ट्विस्ट से भरी ऐसी कॉमेडी पंचेज जो थोड़े हल्के फुल्के डाले गए हैं, जो आपको हल्का फुल्का ही इम्प्रेस कर पाए, तो आप इसे देख सकते हो। बट अगर बात करें थिएटर में जाने लायक, तो थिएटर में जाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आप जाने वाले हो तो मैं आपके लिए कह सकता हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम पास मूवी होने वाली है, जो आपको कहाँ कहाँ पर बोर करे ये तो मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मैं इसके लिए जो रेटिंग देना चाहूँगा वो 5/10 देना चाहूँगा, जो कि काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से इस फिल्म के लिए। ठीक है, बाकी और ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहता, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, घर पर ही सेफ रहिए और जय हिंद।